गुड मॉर्निंग सर, वी आर द स्टूडेंट्स ऑफ बीटेक सीएससी फर्स्ट ईयर एंड वी आर हियर टू पिच आवर आइडिया अबाउट ई स्पोर्ट्स। आप हमारे कैंपस में ये ज़रूर देखा होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो गेम्स खेलते हैं। उन्होंने अपने गेम्स खेल खेल कर अपनी स्किल्स को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया, नेक्स्ट लेवल लेके चले गए हैं वो। इंडिया में और दूसरी कंट्रीज़ में ई स्पोर्ट्स की जो इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है। 2018 के बाद इंडिया में 2018 में इंडिया में एक गेम आता है बीजीएमआई, उसने एक साल में ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा ग्रो कर दिया था। ईयर के एंड तक उन्होंने एक ई स्पोर्ट टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज करवाया था इंडिया में, जिससे इंडिया में बहुत सारे प्लेयर्स ऊपर उठकर आए थे और उन्होंने अपना करियर भी बना लिया है। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपना करियर भी सेट कर लिया है और आगे जाकर वो अपना खेलेंगे और उन्हें बहुत सारी कंपनीज हैं, स्पॉन्सर्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्हें आगे बढ़ा रही हैं। और ऐसे ही 2019 में इसका बूम ज़्यादा इसलिए मिला क्योंकि 2019 में अपना कोविड आ गया था। कोविड के बाद लॉकडाउन में किसी के पास कोई काम नहीं था, सब जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स आपको पता है कि इतना ज़्यादा पढ़ाई तो चलो करते हैं पर ई स्पोर्ट्स अपना टाइम पास के लिए ई स्पोर्ट्स या फिर जो गेम्स होते हैं उनको खेल रहे थे। इस खेलते खेलते उन्हें दो साल में उन्होंने अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल ले गए थे और वो आगे जाके टूर्नामेंट्स भी खेलने लगे। So we have to build a community of esports at WCTM. This is our aim. So we want to organize an esports tournament where students will participate there and engage their skills and build their technical skill, leadership skills. हम basically organize करना चाहते हैं एक esports tournament, just like अभी कुछ दिनों पहले अपने कल फुटबॉल टूर्नामेंट हो गया, वॉलीबॉल टूर्नामेंट हो गया, हमारे कल परसों ही टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं। इसी टाइप से हम अपना टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं ई स्पोर्ट्स का, जिसमें हम रूम कार्ड में प्लेयर्स को खिलाएंगे, उनकी स्किल्स को जस्ट लाइक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ट्विच, फेसबुक और जैसे और भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनको दिखाएंगे और उनका थोड़ा एक्सपोजर होगा, उन्हें पता चलेगा कि हम इंडस्ट्री में कैसे घुस पा रहे हैं। मतलब इंडस्ट्री में वो अच्छा खेलते हैं, उन्हें पता है वो बहुत अच्छा खेलते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि इंडस्ट्री में एंटर कैसे करना है उन्हें। WCTM में हर क्लास में बहुत से बच्चे मिल जाएंगे जो खेलते हैं स्पोर्ट्स, वो खेलते हैं पर उन्हें ये नहीं पता कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग कैसे एंटर करना है। सो हमें उन्हें एक रोड मैप देंगे, एक पाथ देंगे जिससे उन्हें पता चले कि कॉम्पिटिटिव गेमिंग में कैसे घुसे और इसके थ्रू वो अपने स्किल्स के थ्रू मनी कैसे मेक कर सके, अर्न करना सिखाना। सो व्हाट स्पोर्ट्स आर यू रेफरिंग टू हियर, कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा भी स्पोर्ट्स? नो सर, नहीं सर, गेम्स के ऊपर डिपेंड होता है कि किस गेम में कितने प्लेयर्स खेल सकते हैं। जैसे बीजीएमआई है, पर रूम हम 100 प्लेयर्स को खिला सकते हैं, अ स्क्वाड ऑफ 4 पीपल विल एंटर, टोटल अमाउंट ऑफ 25 स्क्वाड विल एंटर। एंड अदर गेम्स हैव other things like some limitations of your project, is there any limitations of your project or no? No ma'am, there is not a limitation here. All the student who want to play they can join. There is no limitation of there are only this much of member. Like this concept is already existing. Yeah. Yes ma'am, aapka isme kya role hai? Like ma'am, sir, this concept is existing but it is not in WCTM. Itne abhi tak koi ek... No. While you are creating or while we are discussing any idea, your idea should be not limited to only one particular organization. Just discuss an overall concept. Ma'am, एक organization है College Rivals नाम से, वो college to college students को इकट्ठा करती है। स्टूडेंट्स को इकट्ठा करने के बाद वो उनको साथ में स्पोर्ट्स गेम्स को ऑर्गेनाइज करके एक रूम में बिठाती है। रूम में बिठाने के बाद उनको कहती है कि भाई अपने रूम में हम आपको ज्वाइन करा रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को दिखाओ, हम उसको यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे, इन सब पे स्ट्रीम कर रहे हैं आपकी। जो ऐसा नहीं है कि भाई जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं एकदम से बंदे उठा दिए, उन्हें पता नहीं है बंदा अच्छा खेल रहा है, जैसे कि ये बहुत अच्छा खेलता है पर ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको कैसे पता चलेगी अच्छा खेलता है। तो इसका गेम प्ले कहीं तो दिखना चाहिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विच पे, तो यहाँ से बंदों को उठाती है। फ्रॉम वेयर यू गेट दिस आइडिया? मैम, आई एम आल्सो ई स्पोर्ट्स। ऑलरेडी देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एन नंबर ऑफ साइट्स
who are providing or who are working same as your ideas? Yes, ma'am. So what's the new in your idea? What additional feature you are adding in your app? The idea is existing, but there is not a proper roadmap. You are providing only roadmap, or you are trying to make a group, or you are trying to जो बड़ी जो organizations हैं वो ground level पे काम नहीं कर सकती हैं. ground level पे काम कर सकते हैं. जैसे हमारे college के जो students हैं उनसे हम personally जाके मिल सकते हैं कि हम आपको खिलाएंगे, आपको हम पे trust करना होगा. personally जाके मिलने से trust build होता है. अब अगर आप किसी online link पे click करते हो आपको डर लगता है कहीं हैक ना हो जाए या फिर ऐसा कुछ भी हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है. हम पर्सनली जाके बात करेंगे तो हमारा ट्रस्ट बिल्ड होगा. आप इंग्लिश पिक्चर देखते हो? यस सर. एक इंग्लिश पिक्चर आया था कॉल्ड ग्रैंड टूरिज्मो. ओके सर. इट इज ऑन कार रेसिंग. ओके सर. राइट. दैट इज एक्चुअली स्पॉन्सर्ड बाय निसान. निसान जो कार कंपनी है, जापानीज कंपनी. यू वॉच दैट मूवी स्टार्टेड ऑफ विद गेमिंग कंसोल्स इन कार रेसिंग, एंड उसमें से सिलेक्टेड जो स्टूडेंट्स थे या जो यू नो टीनेजर्स थे उनको एक्चुअल फील्ड में प्रैक्टिस कराया गया, एंड दे एक्चुअली वन. सो दिस स्टार्टेड इन 2012, राइट. सो ये काफ़ी पुराना कॉन्सेप्ट है जो आप बोल रहे हो. ऑल दैट यू हैव टू डू इज टेक दैट कॉन्सेप्ट एंड स्टार्ट इन WCTM. इट इज़ नॉट अ नॉवल आइडिया, इट इज़ ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग आइडिया. आपको सिर्फ वो कॉन्सेप्ट को लेकर आके यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है. यू कैन टेक वन गेम, यू कैन टेक एनी गेम. नॉट नेसेसरी कि मल्टी गेमिंग होना चाहिए. एक गेम ले लो, इम्प्लीमेंट करो, देन वी कैन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग दैट अक्रॉस. यस सर. सो लेट्स से बॉयज लाइक पबजी समथिंग लाइक, सो यू कैन क्रिएट अ गेम लाइक दैट विच विल हेल्प देम इन देयर एकेडमिक इंटरेस्ट ऑल्सो. आपको ऐसे कुछ करना पड़ेगा इफ़ यू वॉन्ट टू. यस सर. ऑल्सो आपका प्रोजेक्ट में ये नहीं बता रहा है कि इसका जो डेवलपिंग कौन करेगा. सर बेसिकली हम किसी गेम को डेवलप नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजर्स हैं हम. सो इफ यू आर एन ऑर्गेनाइजर और एग्रीगेटर देन यू नीड टू आल्सो आइडेंटिफाई आपका प्रेजेंटेशन में कि हु आर यू वांट टू इनवाइट. सर द कॉलेज स्टूडेंट. नो नो, आउटसाइड जो गेम इन जो गेम. हां, सी यू आर ऑर्गेनाइजिंग ना. यस सर. यस सर. सो यू आर ऑर्गेनाइजिंग, इफ यू आर एन इवेंट ऑर्गेनाइजर इट हैज टू बी स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू बी participants. Yes, sir. It's also going to be the companies who are going to give like their sponsors, games. Sir. No, not sponsors. Games. Like poker bazi. Poker bazi को बुलाना पड़ेगा और students को बुलाना पड़ेगा. आप event ही organize करोगे ना. Yes sir. तो poker bazi is a bad example, but in car racing or in something else आप किसको बुलाओगे? हाँ सर, जो हमारे सर जो BGMI में PUBG में जो पहले जो क्रिएटर है ना जिनपे अच्छी खासी ऑडियंस है पहले से, उनको बुलाना होगा अपना ये बिल्ड करने के लिए. तो उनका कॉस्टिंग यहाँ पर आना चाहिए. इज इट फीजिबल? आर दे गोइंग टू कम टू WCTM? फॉरगेट WCTM, चार पांच कॉलेज है ना, चार पांच कॉलेज को इकट्ठा कर लो. सो कॉन्सेप्चुअली यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, उसका कॉस्टिंग आपको निकालना पड़ेगा. ओके सर. पहली बार तो PUBG ऐसा आएगा कि नहीं आएगा? अगर वो 1 करोड़ मांगेगा तो आप कर. ओके मैम. 1 करोड़ मांगेगा आप दे पाओगे? सर ये जो मल्टी प्लेयर गेम्स होते हैं उनको जैसे हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है. लोकल लेवल पे बहुत सारी कंपनीज हैं जो टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है. अग्री. तो आप उसको लेके आओ. सो इट्स नॉट अ नॉवल आइडिया. ये तो ऑलरेडी जो चल रहा है आप उसको यहाँ पर लेके आ रहे हो ना. तो यू स्टार्ट विद दैट, बट यू हैव टू ऑल्सो गिव कॉस्टिंग्स की हाउ कैन वी इंक्रीज. योर प्रॉब्लम स्टेटमेंट शुड बी हाउ कैन वी क्रिएट स्टूडेंट एंगेजमेंट इन WCTM ताकि और बच्चे आए. पीपल इसका एक पीरियड होना चाहिए. देयर शुड बी 2 आवर्स पीरियड एवरी वीक फॉर गेमिंग. एक्चुअली सर हम WCTM के बाहर का नहीं सोचे थे, हमने WCTM के अंदर. मैं WCTM की बात कर रहा हूँ. 2 घंटा, एक घंटा लाइब्रेरी का पीरियड होता है, अब 2 घंटा गेमिंग पीरियड रख दीजिए. सो दैट एंगेजमेंट इज देयर. सो स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेता है वो पढ़ाई के साथ में ये भी कर लेगा, विच इज एकेडमिकली इंक्लाइंड. एंटरटेनमेंट के लिए घर तो जाते ही हो. यस सर. एकेडमिक इंक्लाइंड, सो यू हैव टू सर्च फॉर गेम्स विच आर एकेडमिकली यू नो गोइंग टू बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स. यूजफुल. WCTM अलाउ नहीं करेगा नहीं तो. यस सर. अंडरस्टूड नो. ओके सर.
ठीक है? ओके सर, बट गुड, द आइडिया इज गुड, यू मस्ट ट्राई. सो स्टूडेंट एंगेजमेंट, स्टूडेंट एंगेजमेंट इन वर्ल्ड कॉलेज टुवर्ड्स एकेडमिक पर्पसेस. ओके सर, ओके सर, यू लुक एट दैट, आई थिंक इट विल वर्क. ओके, आइडिया अच्छा है. थैंक यू. ओके, थैंक यू.